के फैलाव के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन में गुज़श्ता हफ्ते नरमी की थी और एक SOP बनाया गया था। आइए शहरी उसे जानते हैं कि उस SOP पर किस तरह अमल किया जा रहा है, जो इंतजामिया कार्रवाई कर रही है उस पर उनका क्या कहना है। इंतजामिया जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, वो आवाम की सेफ्टी के लिए कर रही है, लेकिन आवाम जो है वो अभी तक तामन नहीं कर रही है। वो चाहिए कि उसको तामन करे, आवाम की हिफाजत के लिए वो सब कुछ हो रहा है। ये जो लॉकडाउन हुआ हुकूमत की तरफ से, ये हुकूमत का दुरुस्त है, तो लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर याद करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बाजारों में रश ना डालें, क्योंकि वो उनकी इंतजामिया की हिफाजत के लिए लगी गया है। इंतजामिया जो कर रही है, इस टाइम एक्शन कर रही है, वो अपनी जगह ठीक एक्शन कर रही है, वो लोगों की हिफाजत कर रही है ताकि लोग इस वायरस से बचें, और इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। यहाँ लॉकडाउन के वजह से ये है कि ये हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है, इस पर सख्ती से जो है ना वो अमल दरामद करवाए। यहाँ शहरों की ये हालत है कि एक एक दुकानों में कितने कितने अफराद को बायक वक्त जो है ना वो करते हैं यहाँ खरीद, तो उससे जो है ना मजीद जो है ना कोरोना वायरस के फैलने के खदशात हैं। समझता हूँ कि जो इंतजामिया वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन के हवाले से जो शहरियों को जो सहूलियात दी गई थी, जो नरमी दी गई थी, उसके हवाले से इंतजामिया तो अपनी तरफ से भरपूर जो है तो वो काम कर रही है, लेकिन अगर शहरियों का देखा जाए या आवाम की बात करें तो वो एक ज़रा भी जो है तो तावन नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि जो है तो लोगों के जो है तो रश लगा हुआ है यहाँ पे, लोग जो है तो बहुत सारी जगहों पर इकट्ठे खड़े होते हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि वो जो है तो इंतजामिया के साथ। ये लॉकडाउन में बिल्कुल सख्ती की जाए, जिस तरह इंतजामिया कर रही है इसके साथ पूरा तावन करेंगे हम भी। और ये जो लालू के सिंध से आके अचार वगैरह इस तरह के खजूर ये चीज़ें भेज रहे हैं, इंतजामिया को सोचना चाहिए कि ये लोग किन पॉइंट से आते हैं, और एंट्री पॉइंट पे मज़ीद सख्ती की जाए। जो रश हो रहा है बहुत ज़्यादा दुकानों पे, इंतजामिया जो कर रही है अच्छा कर रही है, उसके साथ तावन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ये जो बीमारी है बहुत डेंजरस है, लोगों को पता नहीं, इसका इलम नहीं है। और दूसरा नंबर, पतन से लोग आ रहे हैं, जल्दी अपना सिंध से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, इधर हजीरा हमने देखे हैं कि वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, इंतजामिया क्या कर रही है। जीरा शहर में बहुत ज़रूरी है, लॉकडाउन होना चाहिए और सब दुकानदारों को आवाम को ये कॉपरेट करना चाहिए इंतजामिया के साथ। इंतजामिया की जो सख्ती है वो अपनी जगह पे बजा है। जी नाजरीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद इंतजामिया हाजीरा ने मुख्तलिफ शहरों का आज दिन भर चक्कर लगाया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, मुतद्दद को दुकानों को सील किया, जुर्माने किए गाड़ियों को, और दीगर जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह या इस तरह के लोग थे जो घूम रहे थे उन पर को पाबंद किया और वार्निंग जारी की। इस पर हमने शहरी से जब जानने की कोशिश की तो शहरी का कहना था कि इंतजामिया ये जो सख्ती कर रही है ये हमारी हिफाजत के लिए कर रही है, अवाम को चाहिए कि हम इस पर जो SOP बना हुआ था उस पर अमल दरामद करें और इंतजामिया का मुकम्मल साथ दें, ताकि कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है हमारा खित्ता इसे महफूज रहे। मलिक ज़ुल्फ़िकार, KE News, हजीरा, आज़ाद कश्मीर।